मेरे हाथ में जो फोन है सैमसंग की तरफ से ट्रूली 5G फोन के साथ साथ एक अच्छा कैमरा फोन भी है। इसका जो नाम है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। पिछले कुछ दिनों से इस फोन को एज ए प्राइमरी डिवाइस की तरह मैं यूज कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में इसका एक कंप्लीट फुल रिव्यू दूंगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है और आपका पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। चलिए दोस्तों रिव्यू शुरुआत करता हूँ इसके डिस्प्ले से। देखो यार, डिस्प्ले का साइज तो इसमें एवरेज मिलेगा, लेकिन डिस्प्ले का बेजल और नीचे जो चेन थोड़ा सा मोटा रख दिया है। हाँ दोस्तों, फोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, आप फुल व्यू डिस्प्ले का मजा नहीं ले सकते हो, लेकिन इसमें जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है आपको स्मूथनेस फील होगा। ब्राइटनेस मुझे एवरेज लगा है, इंडोर पर आउटडोर पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, डायरेक्ट सनलाइट में आपको थोड़ी सी दिक्कत देगा। यूट्यूब पर आप फुल HD में 60fps में वीडियो को देख सकते हो, इससे ऊपर का रेजुलेशन सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन दोस्तों जो कलर कॉन्ट्रास्ट डिटेलिंग आ रहा है वो तो मुझे बहुत ही पसंद आया। इसमें जो PLS LCD पैनल है सैमसंग ने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। ऐसे भी डिस्प्ले के मामले में सैमसंग तो हर बार विनर रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में सैमसंग मार खा जाता है। ऐसे भी दोस्तों इसमें है सैमसंग का खुद का चिपसेट Exynos 1330 जो कि ऑक्टाकोर चिपसेट है 5 नैनोमीटर पर बना हुआ है। अंतुतु स्कोर आप यहाँ पर देख सकते हो। अंतुतु स्कोर के हिसाब से एक नॉर्मल यूजर के लिए मस्त फोन है। डे टू लाइफ यूज में अगर आप फोन को थोड़ा हेवी में यूज करते हो तो फोन हैंग नहीं करता है। ऐप ओपनिंग फास्ट है, ऐप ओपन ऐप क्लोज में जो एनिमेशन है वो स्मूथली काम करता है। लेकिन जब इसमें मैंने गेम प्ले किया था तब तो मुझे असलियत पता चला। अगर आप BGMI गेम खेलते हो तो आप 30fps से ऊपर नहीं खेल पाओगे, और 30fps के हिसाब से यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिला है मुझे डिसेंट सा लगा है, क्योंकि इसका जायरो का परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार है, बहुत ही डीले में काम करता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टाइम तक गेम खेलोगे तो फोन गर्म होगा और CPU थ्रॉटलिंग देख सकते हो, और CPU थ्रॉटलिंग देखकर आप आइडिया लगा सकते हो फोन कितना हीट होता है। इसमें LPDDR4X का रैम है और रैम मैनेजमेंट मुझे डिसेंट सा लगा है। हेवी एप्लीकेशन को फोन रैम में नहीं रखता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये फोन लेते हो तो गेमिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, लेकिन कैमरा में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। फोन की पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एक जो कैमरा है काम का आता है जो है 50 मेगापिक्सल। कुछ फोटो सैंपल देखकर भी आप आइडिया लगा सकते हो इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। सच कहो दोस्तों, कलर कॉन्ट्रास्ट के मामले में जो फोन है मस्त है, स्पेशली फॉर स्काई का कलर को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, स्किन टोन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है जो देखने में काफी प्यारा सा लगता है। इसमें 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है जो बहुत ही अच्छा फोटो खींचता है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्किन टोन को कितने अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहा है। कुछ फोटो में जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर डिटेलिंग कितना मस्त आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो। फोटो की पीछे की तरफ जो डायनेमिक रेंज है उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेता है। और दोस्तों प्रोटीन मोड में इस डिटेक्शन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करता है, बैकग्राउंड को भी बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लर कर लेता है। इस फोन की बैक कैमरा से आप फुल HD में 30fps पर वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। हाँ दोस्तों, स्टेबिलाइजेशन इतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन ऑटो फोकस बढ़िया काम करता है और वीडियो में डिटेलिंग मस्त आता है। सेल्फी कैमरा से भी आप फुल HD में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। वीडियो में स्किन टोन का कलर को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है जो देखने में काफी प्यारा सा लगता है। इसका सारा रॉ फोटो सैंपल मैंने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाकर सारे फोटो को और भी डिटेल में जूम वगैरह करके देख सकते हो। देखो यार, फोन देखने में तो काफी प्यारा सा है, लेकिन फोन मोटा है और भारी है, हाथों में कंफर्टेबल फील नहीं देता है। फोन का जो फ्रेम है पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, इसका बैक पैनल भी पॉलीकार्बोनेट का मिलता है। हाँ दोस्तों, क्रैशेस नहीं आता है, लेकिन फिंगरप्रिंट का निशान आता है। कैमरा का बाम भी इतना ज्यादा बाहर नहीं हुआ है। फोन का डिजाइन जैसे सुंदर है, इसका बिल्ड क्वालिटी भी तकड़ा है। फोन का बैक पैनल पीछे से दबता नहीं है। इसकी फ्रंट साइड की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास टाइप का प्रोटेक्शन है, क्योंकि हाथों से फोन गिरेगा तो टूटने का चांस बहुत ही कम है। फ्लैट डिस्प्ले के साथ साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर है जो हर बार एक्यूरेट और फास्ट काम करता है। फोन हाल फिलहाल में एंड्रॉइड 13 पर रन हो रहा है, इसमें अप टू एंड्रॉइड 15 का अपडेट मिलेगा। और बात रही OS के बारे में, सैमसंग का OS है भाई, इसमें तो सिक्योरिटी आपको तगड़ा लेवल का मिलेगा। नॉक्स सिक्योरिटी के साथ आता है, और नॉक्स सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ सैमसंग यूजर को पता है। लेकिन दोस्तों हर फोन की तरह इस फोन में भी प्री इंस्टॉल ऐप मिलेगा, थोड़ी बहुत एड्स का चक्कर मिलेगा, बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स के साथ आता है जो आपके डे टू लाइफ यूज में बहुत ही काम में आएगा। लेकिन यार आपको तो पता है ये जो फोन है एक ट्रूली 5G फोन है, इसमें 13 बैंड्स 5G है, 4G प्लस का सपोर्ट भी है, नेटवर्क के मामले में इसमें कुछ भी इशू नहीं आएगा। इसमें आप SD कार्ड को यूज कर सकते हो, 3.5mm ऑडियो जैक है, और इसमें जो माइक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से नॉइस को कैंसिलिंग कर लेता है। हाँ दोस्त, इसमें आप बहुत ही आराम से कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो, कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देगा। हैप्टिक फीडबैक लेकर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जो है स्पीकर में। फोन आता है सिंगल स्पीकर के साथ, पहले से इसमें सिंगल स्पीकर है, लाउडनेस इतना ज्यादा भी नहीं है, फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुनो के फोन प्राइवेट करता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करना होगा।
फोन में है 6000 mAh की बैटरी, इनबॉक्स चार्जर के साथ नहीं आता है, लेकिन ये जो फोन है 25W का एडाप्टर को सपोर्ट करता है। अगर आप 25W के एडाप्टर से फोन को चार्ज करते हो तो 3 hours लगता है फुल चार्ज होने के लिए, और चार्जिंग के टाइम में फोन हीट नहीं होता है, और स्क्रीन ऑन टाइम बैटरी बैकअप मुझे लगभग 8 hours के आसपास मिला है। ये जो टाइमिंग है वो बहुत ही अच्छा सा टाइमिंग है दोस्तों, क्योंकि अगर आप दिन में एक बार चार्ज करते हो तो सारे दिन आराम से निकल जाएगा। चलिए दोस्तों आप सीधी सी बात करते हैं, इस फोन को लेना चाहिए कि नहीं। देखो भाई, अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो ज्यादा गेम नहीं खेलते हो, आपके लिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैमरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मूवी वगैरह ज्यादा देखते हो तो आपके लिए जो फोन है सबसे अच्छा होगा। अगर आप गेमर हो, इस प्राइस रेंज में बहुत सारा गेमिंग फोन मिलता है, आप उसके तरफ देखिए। मैं इस फोन को इतने दिनों से यूज कर रहा हूँ, इसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आपको क्या लग रहा है, ये फोन लेने के लायक है कि नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो, क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो Vivo T2X और Samsung Galaxy M14 5G लेकर, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।